लिखिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व। बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी। यदि कोई भी इक्वेशन अपने सही फॉर्मेट में नहीं है तो उसको सही फॉर्मेट में लाने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखो पहला इक्वेशन अपने सही फॉर्मेट में नहीं है। सही फॉर्मेट का मतलब कोई भी फ्रैक्शन टर्म नहीं होना चाहिए। तो b अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मीन्स यहां पर एलसीएम क्या आ रहा बेटा? ए बी। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का इधर इंटू हो जाएगा ना, तो इधर आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली। आप चाहो तो ए बी का अंदर इंटू कर दो, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। ए फर्स्ट इक्वेशन को हमने पहले थोड़ी सा सॉल्व कर लिया। सेकंड इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी, इस सेकंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है बेटा? सब लोग ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? वाई वाले टर्म को इक्वल करते हैं। अब देखो बेटा y वाले टर्म को इक्वल करने के लिए यहां पर y के साथ ए स्क्वायर है, यहां y के साथ कुछ भी नहीं है। इट मीन सेकंड वाले में हम ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y वाले टर्म इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बेटा? फिर आगे देखो, इधर है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब बेटा ध्यान से सुनो सब लोग, इधर ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर होगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर का वाई में किया तो ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर का टू ए बी में, तो टू ए बी में जब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टू ए क्यूब बी। अब देखो बेटा y वाले टर्म इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? दोनों टर्म के साइन सेम है, यदि हम माइनस कर देंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, फिर कैंसिल कर सकते इधर पर माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया। इधर x में क्या बचेगा? ऊपर क्या है बेटा? बी स्क्वायर एक्स। नीचे माइनस में हो गया तो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल। इधर पर ऊपर तो दोनों प्लस में, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, और नीचे क्या माइनस हो गया है? माइनस टू ए क्यूब बी। अच्छा इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है बेटा, तो इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, ए क्यूब बी प्लस का है, ए क्यूब बी माइनस का है, यहां ए क्यूब बी टू टाइम्स है, यहां ए क्यूब बी वन टाइम्स है, और एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होंगे तो माइनस में आएगा, पहले इसको लिख देते हैं इस वाले टर्म को ए बी क्यूब,
और इसका और इसका सॉल्व क्या होगा, माइनस ए क्यूब बी। तो इधर एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आ रहा बेटा, देखो ए बी कॉमन आ रहा, क्या आ रहा बेटा ए बी कॉमन, तो इधर से बचेगा बी स्क्वायर और इधर से बचा ए स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू ए बी। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। यदि सॉल्व करने में कोई मेथड नहीं लिखा है तो हमारा सजेशन यही रहेगा, आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब जो एक्स की वैल्यू आई है उसको दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो। तो एक्स इक्वल टू ए बी, पुट एक्स इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में ज्यादा आसान है। सेकंड इक्वेशन क्या था बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी, यही था ना बेटा सेकंड इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू बी टू ए बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी, तो एक्स की जगह ए बी पुट कर दो, ए बी प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी, ए बी को साइड ले जाओ तो वाई इक्वल टू टू ए बी माइनस ए बी, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा। सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो आया बेटा सब। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमें काफी प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, अच्छा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, इसी का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सॉल्व ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए फर्स्ट इक्वेशन। अपने सही फॉर्मेट में नहीं है इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मींस इसमें एलसीएम वगैरह लेके फ्रैक्शन टर्म को हटाना है हमें। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए बी, और सेकंड वाला इक्वेशन अपने सही फॉर्मेट में, तो सेकंड वाले से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा फर्स्ट वाला ले लो बेटा, तो ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, एलसीएम क्या आएगा बेटा ए बी, तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस इधर आएगा बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग ए बी का इनटू इधर हो जाएगा, इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक काम करो ए बी का अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, तो इधर आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सॉल्व करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन अपने सही फॉर्मेट में आ गया, सेकंड तो अपना सही फॉर्मेट में था ही, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए बी। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को या वाई वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो हम ज्यादातर क्वेश्चन में वाई वाले टर्म को ही इक्वल करते हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। इधर पर वाई के साथ बी स्क्वायर, इधर वाई के साथ बी, तो दोनों इक्वल करने के लिए इधर पर यदि बी का इंटू कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सेकंड इक्वेशन में हम केवल बी का इंटू कर रहे हैं। देखो बी का इंटू करेंगे तो इधर पर वाई के साथ जो बी है तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो देखो बेटा तो इधर आएगा ए स्क्वायर फर्स्ट जैसा है वैसा लिख दो, माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फर्स्ट यही था ना बेटा,
सेकंड में हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आएगा ए बी एक्स, बी का इंटू ए एक्स में करेंगे ए बी एक्स होगा, बी का इंटू बी वाई में करेंगे माइनस बी स्क्वायर वाई, बी का इंटू टू ए बी में करो टू ए बी स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है, प्लस के माइनस वाई वाले टर्म को एक कैंसिल करने के लिए इधर पर वाई के साथ माइनस, इधर पर वाई के साथ माइनस, तो माइनस माइनस वाले कैंसिल तो होंगे नहीं, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो अब कैंसिल हो गया। अब एक्स में क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स इधर से माइनस ए बी एक्स इक्वल टू, इक्वल टू में क्या बचेगा बताओ बेटा, इक्वल टू में इधर ए स्क्वायर बी ऊपर और प्लस ए बी स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा बेटा माइनस टू ए बी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा ए एक्स, तो इधर बचेगा ए माइनस बी। अब देखना बेटा इधर पर ए बी स्क्वायर है, इधर पर टू ए बी स्क्वायर, तो टू ए बी स्क्वायर ए माइनस का है, ए बी स्क्वायर ए प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इधर पर आएगा माइनस ए बी स्क्वायर। इतना बेटा सबको समझ में आ गया। आगे देखो ए एक्स ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू, इधर पर ए बी कॉमन आ रहा तो इधर पर ए माइनस बी, देखो बेटा a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, x इक्वल टू b आ गया, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है b। अब क्या करेंगे x इक्वल टू b दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे और जिसमें आसान रहेगा उसमें पुट करेंगे, तो देखिए पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड में ज्यादा आसान है, तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए बी, यही है हमारा सेकंड इक्वेशन। एक्स की जगह बी पुट कर दो तो ए बी हो जाएगा माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए बी। अब देखना बेटा जो ए बी है वो राइट साइड ले जाएंगे हम, तो लेफ्ट साइड में माइनस बी वाई बचा इक्वल टू टू ए बी और माइनस ए बी, तो माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए बी माइनस ए बी ए बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू माइनस ए, तो वाई आ गया माइनस ए, एक्स आ गया बी। बोलो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो पता है जब भी किसी इक्वेशन में x और y अपॉन में आ जाता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वन अपॉन x को वन अपॉन y को कुछ कंसीडर करते हैं ना, तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या है बेटा, ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इक्वल टू ए प्लस बी। हम लोगों ने बहुत पहले सीखा है जब भी x और y अपॉन में है तो क्या करते हैं, वन अपॉन x को कैपिटल A कंसीडर करेंगे और वन अपॉन y को कैपिटल B। एक काम करो कैपिटल A कैपिटल B की जगह कुछ और कंसीडर कर लो, क्योंकि यहां पर a b है ना साथ में, तो वन अपॉन x को क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, देखो बेटा सबसे बढ़िया काम है अल्फा कर लो, अल्फा एक अलग ही साइन दिख रहा और वन अपॉन वाई को बीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना अल्फा बीटा, तो वन अपॉन या हमने उसमें पढ़ा होगा किसमें रूट, रूट अल्फा बीटा होते ना क्वाड्रेटिक में,
तो वन अपॉन एक्स को हमने एल्फा ले लिया, वन अपॉन वाई को बीटा। अब देखो पहला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स को एल्फा लिया तो इधर पर जो नंबर है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में इस एल्फा का मल्टीप्लाई माइनस, इधर क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में वाई के अकॉर्डिंग बीटा लिया था तो बी स्क्वायर में बीटा का मल्टीप्लाई, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इधर पर वन अपॉन एक्स एल्फा है तो एल्फा का मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी एल्फा, इधर पर वन अपॉन वाई को बीटा लिया था तो बीटा का इंटू प्लस बी स्क्वायर ए बीटा इक्वल टू ए प्लस बी। इसको एक काम करते हैं थर्ड और इसको फोर्थ। यहां तक बेटा सबको समझ में आया है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में या पहले कुछ दिन पहले कुछ क्लासेस में सीखा था कि वन अपॉन एक्स इट मीन्स एक्स या वाई जब अपॉन में आता है तो वन अपॉन एक्स को एल्फा और वन अपॉन वाई को बीटा कंसीडर करते हैं। अब देखो बेटा जैसे एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन होते हैं वैसे ही एल्फा बीटा में, तो एलिमिनेशन मेथड में बीटा वाले टर्म इक्वल करना है, इधर पर बीटा के साथ बी स्क्वायर, इधर पर बीटा के साथ ए स्क्वायर बी, तो हम थर्ड इक्वेशन में यदि ए का इंटू कर देंगे तो बीटा वाले टर्म सेम हो जाएंगे। देखो इधर पर बीटा के साथ बी स्क्वायर ए है, इधर पर बीटा के साथ केवल बी स्क्वायर है, यदि ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ए का मल्टीप्लाई सभी में करते हैं तो इधर आ जाएगा ए क्यूब एल्फा माइनस बी स्क्वायर ए बीटा इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर बी एल्फा प्लस बी स्क्वायर ए बीटा इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो दोनों में बीटा वाले टर्म इक्वल हो गए, अब एक बीटा वाला माइनस में एक बीटा वाला प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, ऐड करने पर दोनों कैंसिल हो गए। इधर पर क्या बचा बेटा, ए क्यूब एल्फा प्लस इधर ए स्क्वायर बी एल्फा इक्वल टू में ए प्लस बी, ए बचा हमारे पास। अब ध्यान देना बेटा इधर पर कॉमन क्या आ रहा है, ए क्यूब एल्फा प्लस ए स्क्वायर बी एल्फा, तो इधर पर कॉमन कितना आ रहा बेटा, केवल ए स्क्वायर एल्फा कॉमन आ, ए स्क्वायर एल्फा कॉमन आ रहा, तो इधर से बचेगा ए प्लस, इधर से बचा बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो बेटा ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर एल्फा इक्वल टू वन बचा, तो एल्फा की वैल्यू वन अपॉन ए स्क्वायर, तो बेटा एल्फा आ गया वन अपॉन ए स्क्वायर। अब बेटा फाइंड करने के लिए जो एल्फा आया उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो किसमें आसान है, हमारे अकॉर्डिंग थर्ड वाले में ज्यादा आसान है, जो थर्ड बनाया था इसमें ज्यादा आसान है, तो कर लीजिए बेटा। तो क्या करेंगे पुट एल्फा इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर इन इक्वेशन कौन सा बेटा थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड है हमारा ए स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू जीरो, तो इसमें अल्फा की जगह वन अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया वन माइनस बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा क्योंकि वन उस साइड जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू वन अपॉन बी स्क्वायर। बट हम लोगों को पता है एल्फा और बीटा हमें फाइंड नहीं करना है, एल्फा एंड बीटा फाइंड नहीं करना, फाइंड तो हमें एक्स और वाई करना है, तो एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एल्फा इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर है ना, एल्फा की जगह या इट मीन्स एल्फा किसकी जगह लिखा था,
वन अपॉन एक्स की जगह 12, तो अल्फा की जगह वन अपॉन एक्स लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई। अब बीटा इक्वल टू कितना है बेटा, वन अपॉन बी स्क्वायर, तो बीटा हमने किसकी जगह लिया था, वन अपॉन वाई की जगह। क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू बी स्क्वायर। आया बेटा सबको समझ में? वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा हम सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करके आएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, इस सेकंड इक्वेशन। इसे भी बेटा सॉल्व करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू टू एम, इस सेकंड इक्वेशन। इसको भी बेटा सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन। इसको भी बेटा सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करना है। चलिए बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके आना है।